तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ऐसा दिक्कत आ रहा है, उन्होंने जो अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट होता है उसे उन्होंने अपने गूगल अकाउंट में सेव करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो जैसे अपने गूगल अकाउंट के किसी नए फ़ोन में लॉगिन करते हैं लेकिन नए फ़ोन में वो सारा नंबर उनके फ़ोन में नहीं आता है, गूगल अकाउंट से एक्सपोर्ट ही नहीं होता उनके फ़ोन में। तो आज से हम यही बात करेंगे, आपका भी जीमेल में जो भी नंबर आपने सेव किया हुआ है गूगल में वो नंबर आपके नए फ़ोन में आ ही नहीं रहा है, तो किस तरीके से आपने पुराने नंबर को ला सकते हो, जो भी नंबर आपने गूगल में सेव किया था किस तरीके से उसे अपने फ़ोन में आप ला सकते हो। तो अगर आपको दोस्तों जाना है तो आज की वीडियो को बिना स्किप के पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पर आपको बगल में हमारा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ यहाँ पर वेरीफाई करना होगा, क्या सचमुच में आपने अपने गूगल में सभी नंबर को सेव किया हुआ था। सबसे पहले वही चीज़ आपको यहाँ पर चेक करना है। तो वो कैसे चेक होगा, आपको अपने गूगल का ऐप में आना है। गूगल का ऐप जैसे ओपन होता है यहाँ पर आप देखोगे आपका प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर दिखेगा आपके गूगल अकाउंट का, तो यहाँ पर आपको जाना है। देन उसी गूगल अकाउंट में जिसमें आपने सेव किया था अपने नंबर को, उसी गूगल अकाउंट को लॉगिन करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पर। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके गूगल अकाउंट का पूरा सेटिंग यहाँ पर ओपन होता है। देन आप ऊपर देखोगे स्लाइड कर आपको यहाँ पर क्लिक करना है पीपल एंड शेयरिंग का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे नीचे आप आओगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको दिखा दिया जाएगा आपके नंबर आपके अकाउंट में कितना सारा नंबर यहाँ पर सेव है। यहाँ पर आप देखो मेरे गूगल अकाउंट में 70 नंबर सेव है, तो आपको भी यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पर नंबर होता है, यहाँ पर नंबर दिखाता है, यहाँ पर इतना नंबर आपके गूगल अकाउंट में है, फिर भी आपके फोन में कॉन्टैक्ट में नंबर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तरीका को क्या करना है, आपको इसी कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो आप देखो ऐसे यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपका जो भी कॉन्टैक्ट होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर ऊपर देखोगे एक इस तरीके का आइकन आपको दिखेगा जो कि एक्सपोर्ट वाला आइकन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप अपने कॉन्टैक्ट को यहाँ से सबसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपका जो कॉन्टैक्ट है वो आपके फोन में डाउनलोड होकर एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आप अपने यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट में कैसे लाना वो कट करना है, आपको अपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले एप्लीकेशन माना। यहाँ पर आने के बाद ऊपर आपको क्लिक करना तीन ऐसे डॉट्स पर, यहाँ पर आप क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट सेटिंग वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको जाना होता है। अभी आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन आपको दिखता है, तो यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। यहाँ पर क्लिक करते ही आप देख पाओगे सबसे पहला ऑप्शन इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने अभी जो फाइल डाउनलोड किया था उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, तो वो फाइल आपका जहाँ भी गया हो आपको देख लेना ध्यान से, उसके बाद उसी फाइल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही दोस्तों आप उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करते हो उसके बाद हमारा सिलेक्ट आप जैसे कर लेते हो अपना फाइल जो भी आपने डाउनलोड किया, तो आपका सारा कॉन्टैक्ट यहाँ पर आपके फोन में आ जाएगा। यहाँ पर आपको सारा कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता एक सेटिंग में आपको और बताता हूँ, आपको आ जाना है मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल का सेटिंग ओपन होने के बाद नीचे आपको आना है। देन यहाँ पर आप देख पाओगे गूगल वाला सेटिंग या फिर आपके फोन में अकाउंट वाला सेटिंग हो सकता है यहाँ पर, तो गूगल वाला सेटिंग में आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको उसी जीमेल आईडी को यहाँ पर स्विच करना है जिस भी जीमेल आईडी में आपने अपना नंबर सेव कर रखा है। तो यहाँ पर आने के बाद नीचे पाओगे तो यहाँ पर आप नीचे ऑप्शन देख पाओगे सेटअप एंड रीस्टोर, तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो। यहाँ पर क्लिक करते आप देख पाओगे रीस्टोर कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद आप यहाँ पर एक सेटिंग देख पाओगे गूगल कॉन्टैक्ट सिंक सेटिंग, तो यहाँ पर आप क्लिक करो तो हो सकता है कि सिंक वाला सेटिंग है आपके अकाउंट का बंद हो। तो यहाँ पर आप देखो स्टेटस ऑटो सिंक वाला इसे आपको चालू करना है, यहाँ पर आप क्लिक करो ये ऑफ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपका भी ऑफ है तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देन आप इसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद दूसरा भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखता है इसे भी आपको चालू कर देना है। तो चालू कर देने के बाद अब आप देखोगे आपके फोन में कॉन्टैक्ट आ जाएगा। अगर सो इसके बाद भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा आपके फोन में अभी भी वो कॉन्टैक्ट जो भी आप चाहते हो वो कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा गूगल अकाउंट का, कोई भी कॉन्टैक्ट आपके फोन में नहीं आ रहा है, तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर और ज्यादा रिसर्च करके एक और डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा अगर आपको लोगों का कमेंट आता है। वैसे तो इन्हीं दो स्टेप्स आपका सारा जो नंबर है वो आपके फोन में आ जाना चाहिए। तो बाकी का अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।